हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज द इंडियन इकोनॉमी, और वी कुड से द सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया, जिसके अंदर हम लोग करेंगे हेल्थ की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगे तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का जो स्ट्रक्चर कोर्स है डैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो अब हम बात करते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप करना है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल के अंदर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, तभी कोई देश जो है वो इकोनॉमिकली जो है डेवलप और उसकी ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इन कंट्री इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम एनर्जी, पावर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, इन्फोटेक, फिनांस एक्सेट्रा को डिवेल्प करते हैं, और उसी तरह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ में जो है वो भी डेवलप होना चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एजुकेशन सिस्टम, हाउसिंग, हेल्थ केयर, कि किस तरह से हम एजुकेशन हेल्थ को मैनेज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ब्रीफली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी लेवल जो है इनहांस होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनडायरेक्ट वे के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो फोकस होता है कि हमने ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, जैसे उसको हेल्थ की फैसिलिटी दे के, हाउसिंग की फैसिलिटी दे के, एजुकेशन की फैसिलिटी दे के। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट का काम देखती है, और वहाँ पे वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करती है, और जो भी सोशल इश्यूज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको हैंडल करने की कोशिश करती है। अगर हम बात करें कि देश के अंदर हेल्थ को कौन देखता है, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है वेरियस हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जो है फॉर्मुलेट करते हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए रिफॉर्म पॉलिसीज भी लेके आते हैं, और उसी तरह जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर इंडिया। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है। देखो, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं। हेल्थ के अंदर फिजिकल फिटनेस भी आ जाती है, मेंटल फिटनेस भी आ जाती है। तो हेल्थ मीन्स ए साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं लगती, हम फिजिकली भी फिट होने चाहिए और मेंटली भी फिट होनी चाहिए। और गुड हेल्थ का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी जो है उसके अंदर इंक्रीज है, जिसके बेसिस पे हम डिफिकल्ट टास्क को कर सकते हैं, लेबर की प्रोडक्टिविटी के अंदर इन्हांसमेंट होती है, हमारी मेंटल एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द गुड हेल्थ? लो डेथ रेट, लो इन्फेंट मोरलिटी रेट, हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, लो इंसिडेंस ऑफ डेडली डिजीज, हाई न्यूट्रिशन लेवल। अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये इंडिकेटर काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, डिक्लाइन इन डेथ रेट। अगर हम बात करें तो 1951 के अंदर जो डेथ रेट था डेट वॉज 27, और जो कि 27 per 1000, जो कि बहुत हाई था, और 2018 के अंदर ये डिक्लाइन होके 7.2 per 1000 हो गया है। और उसी तरह एक साल के जो बच्चे, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू 1 ईयर, वो भी पहले जो 1951 था तो वहाँ पे 218 per 1000 था, जो कि 2018 के अंदर 33 per 1000 रह गया है। और उसी तरह 1951 के अंदर जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो 32 ईयर्स थी, जबकि 2018 के अंदर 69 हो गई है। और उसी तरह जो डेडली डिजीजेज हैं उसके ऊपर भी जो है काफ़ी सारा कंट्रोल कर लिया गया है, जैसे मलेरिया है, टीबी है, कॉलरा है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। उसी तरह डिक्लाइन इन अंडर 5 के, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनमें भी जो मोरलिटी रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। 1960 के अंदर 248 per 1000,
जो कि 37 पर 1000 रह गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज है जैसे मेडिकल कॉलेजेस 1951 के अंदर इसका नंबर जस्ट 28 था, 2018 के अंदर इट इज 460। हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनका नंबर भी 2694 से 25778 इंक्रीज हुआ है। डिस्पेंसरीज का भी जो है 6600 से 27951 इंक्रीज हुआ है। और गवर्नमेंट बेड्स भी जो है पहले जबकि 1951 के अंदर जस्ट 1,17,000 थे, जब अब ये 7,13,986 है। उसी तरह जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो भी उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है। नर्सेस का नंबर भी 18,000 से 30,00,000 हो गया है। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो भी पहले मतलब बहुत कम थे, तो वो भी 725 थे, अब 25743 हो गए। सब सेंटर्स का नंबर भी 158417 है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं इसका पहले से बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। अब हम ब्रीफली कुछ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है कि किस तरह से वो इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एमरजेंसी रिस्पॉन्स इन हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज, क्योंकि COVID-19 की वजह से तो यहाँ पे जैसे पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे मतलब मजबूत बनाना है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो अंडर नेशनल हेल्थ मिशन टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड की गई है। जितनी भी स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज हैं उनको नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर इंडियन COVID-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्ड पैकेज के अंदर जो है प्रोवाइड की गई है। इसी तरह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री यानी जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। और ये जो स्कीम है वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस स्कीम है। ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये गवर्नमेंट जो है इसको पूरा फंड करती है। फंडिंग इज शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज पर द प्रिवेलिंग गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये यहाँ पे जो है इंटाइटलमेंट बेसिस पे जो है बेनिफिट दिया जाता है। और यहाँ पे जो हाउस होल्ड इंक्लूड किए जाते हैं जिनको इसके तहत बेनिफिट दिया जाता है, डिप्राइवेशन और ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया के बेसिस पे। ये जो है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं वो काफ़ी मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए कि काफ़ी मतलब डेडली डिजीजेस हो जाती हैं। उसी तरह ये हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5,00,000 पर फैमिली टू पुअर हाउस होल्ड इन द कंट्री जो है प्रोवाइड करती है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो कि 2003 के अंदर अनाउंस हुई थी और 2006 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे है कि हमने जो है कि हर एक स्टेट के अंदर बैलेंस तरीके से हर सिटी हर विलेज के अंदर रीजनल बैलेंसेस को ख़त्म करना है ताकि लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हों। और उसी तरह जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसके तहत क्या था कि जैसे न्यू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है सेटअप किए जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनको अपग्रेड किया जाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। और उसी तरह 22 न्यू जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सेट किए जाएंगे और 75 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनकी सैंक्शन दी गई है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 6 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है फंक्शनल है और 9 को जो है अगस्त 22 तक फंक्शनल बना दिया जाएगा। और अपग्रेडेशन ऑफ 50 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया जो कि 3 टायर के अंदर है। फर्स्ट टायर के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सेकंड के अंदर सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, थर्ड के अंदर टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो टायर वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे छोटे टाउन जो है रूरल एरियाज हैं तो वहाँ पे छोटे हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर सेटअप किए जाते हैं जिसको सिंगल डॉक्टर और एक नर्स जो है मैनेज करती है। और ये जो लोग हैं लोगों को बताते हैं कि किस तरह से अपने आप को हेल्दी बनाना है, किस तरह से प्रिवेंटिव मेयर्स लेनी है,
और उसी तरह से जब भी इनको लगता है कोई डेडली डिजीज है तो वहां पे ये उनको इम्यूनाइज करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दिया जाता है ताकि जो उसकी बीमारी ना फैल सके। और उसी तरह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो रेफरल सेंटर का काम करते हैं। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के मुकाबले में इनको अपग्रेडेशन जहाँ पे जैसे सर्जरी, ईसीजी, एक्सरे की फैसिलिटी भी होती है, ये बड़े टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सिचुएटेड है। और 3 टायर के अंदर टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और ये प्रॉपरली मतलब फुली इक्विप्ड होते हैं और स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। और इसी के अंदर एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर्स भी आ जाते हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन चंडीगढ़, और उसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु। पब्लिक हेल्थ केयर, देखो हर एक इंडियन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ऑलमोस्ट नॉमिनल रेट के अंदर उनका ट्रीटमेंट होता है। और इंडियन पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है जो टोटल मतलब देखता है 18% ऑफ टोटल आउट पेशेंट्स और 44% ऑफ टोटल इन पेशेंट केयर करता है। यहाँ पे ये जो पब्लिक हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, ज्यादातर जो लोग गांव में रहते हैं और जो लोग गरीब हैं वही इसका उठा पाते हैं। मिडिल और अपर क्लास जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो इंडिया के अंदर काफी डोमिनेंट है। तो यहाँ पे अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर जो है ऑलमोस्ट 70% ऑफ हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया, और 2/5 ऑफ द बेड जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल होते हैं। जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं 60% जो है वो दे आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हेल्थ केयर है वो 80% आउट पेशेंट को और 46% इन पेशेंट को दी जाती है। 58% रूरल और 62% अर्बन पेशेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। और अगर हम बात करें तो प्राइवेट हेल्थ केयर का जो इंडियन हेल्थ केयर है उसके अंदर काफी डोमिनेंट जो है प्रेजेंस है। इवन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर भी जो है इसका जो है बोल बोला है। तो हाई हैज गेन्स ए डोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल द सब मार्केट, मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली द प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द चैलेंजेस ऑफ द हेल्थ इंडस्ट्री।